BMW चलाते हुए प्रवीण अधिकारी ये। पानी तो इतना ज्यादा भरा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे छूट ही नहीं। सब लोग, आई रियली होप कि मेरी फैमिली बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे से रह रही होगी और साथ ही अपनी फैमिली का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रही होगी। साथ ही बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज है मेरा व्लॉग 2 और आपको कोई भी अंदाजा है कि अभी कितना टाइम हो रहा होगा? अभी बजे 7:30। इस टाइम पर अचानक से मेरा ऐसे ही मूड बना कि मैं व्लॉग बना लूं, क्योंकि मैं जा रही हूँ, अभी मेरा ऑफिस का काम खत्म हुआ है, जस्ट अभी अभी मीटिंग खत्म हुई और मेरे एकदम से ना चाय पीने का मन कर रहा है। सबसे अच्छी चीज ये कि बाहर बारिश चल रही है और बारिश चलते हुए लोग अवॉइड करते हैं कि बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही चाय बना लें, पकौड़े बना के खा लेते हैं। बट मेरे साथ उल्टा है, मेरा मन कर रहा है कि मुझे बाहर जाके चाय पीनी है। प्रवीण भी कह रही थी बाहर क्यों जाना है, यही बना लो। मैं क्या, चल लो ना प्लीज, चल लो। तो जैसे तैसे उनको मना लिया मैंने, अब उनको बाहर बोला है मैंने कि आप जाओ। सबसे बेकार पता है क्या हुआ कि हमें अम्ब्रेला ही नहीं मिला यार। मतलब मैं पूरे घर में ढूंढती रही अम्ब्रेला तो मिल जाओ यार, क्यों बैंड बज रही है फालतू की। फिर मुझे लगा कि अम्ब्रेला नहीं है तो चल कोई नहीं, रेनकोट काम आएगा। ये रेनकोट हमने खरीदे थे जब हमने बाइक राइड मारी थी, बीच में हमने स्पीति सर्किट कंप्लीट किया था, तो उस टाइम पे रेनकोट वगैरह सब खरीदे थे जैकेट के ऊपर डालने के लिए। तो ये रेनकोट हमारा आज काम आने वाला है चाय पीने के लिए। तो मैं जाने वाली हूँ यहाँ पे सेक्टर 27 अंजलि मार्केट में एक चाय वाले भैया, दिनेश भैया। तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले, मतलब जब मैं पीजी में रहा करती थी वहाँ, तो मैंने बहुत चाय पी है। इनफैक्ट जब मैं और प्रवीण भी, हम दोनों भी ऑफिस से आते थे तो हम लोग बहुत चाय पीते थे वहाँ पर। और मतलब हमारा रोज का रूटीन था कि वहाँ जाकर चाय पीनी पीनी है, बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, गर्मी में भी, गर्मी में जबकि मन नहीं करता, स्टिल हमने वहाँ बैठ कर चाय पी है बहुत। तो आज हम वही जाने का प्लान कर रहे हैं कि चाय पीने का मन है, वो अदरक की चाय बहुत टेस्टी बनाते हैं। इसके साथ ही एक चीज और, जो लोग टी लवर हैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि दिनेश भैया की जो शॉप है ना, अंजलि मार्केट के सामने ही पड़ती है, इंदिरा मार्केट में, भाई फेमस है वो शॉप। और आप कभी भी आगे उनकी चाय को टेस्ट कर लेना, आप डैम श्योर आपको कोई कंप्लेन नहीं मिलने वाली, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो कभी भी आप जा सकते हो। वैसे मैं सोच रही थी कि एक ब्लॉग बनाऊंगी अपने जो जो मुझे यहाँ के नोएडा के जो जो स्ट्रीट फूड्स मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें से पानी पूरी का भी है, गोलगप्पे, टिक्की, दही भल्ले हैं, और साउथ इंडियन फूड्स भी हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगते हैं यहाँ के कुछ कुछ स्ट्रीट फूड्स। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें वो सारे स्ट्रीट फूड बताऊंगी कि उन सब के मैंने, वो सब ऐसे कि मतलब आप बेझिझक जा सकते हो। कभी भी जाओगे ना तो हम डैम श्योर कि मतलब आप याद करोगे यार मेरी इस वीडियो को, कि इसने कितनी अच्छी वीडियो बनाई थी, और मतलब कितने सारे जो जो मैं उसमें बताऊंगी ना, वो सारे ही आपको नंबर 1 के स्ट्रीट फूड्स मिलेंगे। तो चलो फिलहाल मैं चलती हूँ, प्रवीण नीचे वेट कर रहा होगा, तो फटाफट से पहले मैं लॉक करती हूँ और हम लॉक करके निकलते हैं, क्योंकि लेट तो हो ही चुका है, बाहर बिल्कुल अंधेरा है, बट निकलते हैं। ये हमारी BMW चलाते हुए प्रवीण अधिकारी ये। पहुंच गए अंजलि मार्केट, और ये अंजलि मार्केट अभी दिख नहीं रहा होगा बारिश में इतना। पहले मेरा पीजी यही हुआ करता था, उस टाइम पे मैंने बहुत चाय पी है दिनेश भैया की। आज बहुत दिनों बाद हम वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, देखते हैं बस यहाँ पे भैया बैठे हों, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है, पता नहीं कहीं चले ना गए हों, पर होने तो चाहिए वैसे। यहाँ पर जो दो मार्केट है ना, इंदिरा मार्केट और अंजलि मार्केट, उनका प्लस पॉइंट यही है कि दोनों आमने सामने और आसपास बहुत सारे पीजी है, तो मतलब काफी लोग आ जाते हैं और मतलब अच्छी खासी रौनक रहती है, अच्छी खासी भीड़ रहती है इन दोनों मार्केट में।
यहाँ से एक स्कूटी भी गिरी हुई है यार पानी में। पता नहीं आप लोगों को दिखी होगी नहीं वीडियो में, पर एक बेचारे की किसी की स्कूटी गिर गई। तो अब हमने चाय पी ली दिनेश भैया के यहाँ और हम जा रहे हैं किसी और मार्केट में। अभी 5 मिनट के लिए बारिश शुरू की थी पर फिर से शुरू हो गई है यार। अच्छा भी लग रहा है, हमने तो वैसे भी रेनकोट पहन लिया, हमें क्या दिक्कत है ना। फिर भी रेनकोट डाल के बैठे हम तो। एक नीचे का लेना पड़ेगा यार, बस नीचे के लोग रोल ले लेते हैं रेनकोट वाले। तो है। आपको फायदा है, आपकी तो कैब भी है, मेरे पास तो कैब भी नहीं है यार, हम गरीब। तो ये वो मार्केट जिसकी हम बात कर रहे थे, ये सेक्टर 46 की मार्केट। मतलब कितना फर्क है ना देखा जाए तो, अंजलि मार्केट में कितना अंधेरा पड़ा है और यहाँ की मार्केट देखो मतलब अच्छी खासी भीड़ भी लग रही है, गाड़ियां भी नहीं खड़ी हुई है, मतलब देख के रौनक सी लग रही है बहुत। लाइटें वाइटें जली हुई अच्छी लग रही है। भीड़ देखो यार यहाँ पे, मतलब हर जगह आपको गाड़ियां पार्क भी मिलेंगी, वो भी इस टाइम पर जब इतनी तेज बारिश आ रही है, इससे पता चल जाता है कि मतलब मार्केट में कितनी रौनक है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कहीं स्पेस मिल जाए हमें पार्किंग का, बट समझ नहीं आ रहा जाएं या ना जाएं, क्योंकि टाइम भी 8:30 बज चुके हैं, खाना खाने का भी टाइम हो गया है। चलना है अभी मार्केट में या किसी और दिन ही देखें? किसी और दिन आते हैं, अभी बहुत ज़्यादा पानी, पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। ये तो है, बारिश पानी का पानी भरा पड़ा है, लोग जा कैसे रहे होंगे यार, पानी तो इतना ज्यादा भरा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे छोटी नहर बन गई है। ये वो एरिया है जहाँ से क्रॉस करके हम मार्केट के अंदर पहुंचेंगे और देखो कैसे एक छोटी नहर बन गई। मैं भी ऐसी वेदर फोरकास्ट चेक कर रही थी नोएडा का, और आगे नेक्स्ट 3-4 डेज में भी ऐसी कॉन्टिन्यूसली बारिश दिखा रहा है, तो सोच रहा हूँ कितना पानी भरने वाला है। अभी फायदा नहीं है यार जाने का, ये देखना कैसे क्रॉस करके इतने पानी में जाएंगे मार्केट के अंदर। पार्किंग की जगह भी नहीं है। हाँ मेन पार्क, ये देखना यार, मतलब कितना पानी भरा हुआ है, लोग कैसे जा रहे होंगे इसके अंदर। बताने वाली थी आपको जो बहुत ही फेमस है, चिक्की एंड गोलगप्पा। यस विद गोलगप्पा, वो है ये वाले भैया। ऑल्दो इतना क्लियर आईडिया कितना गंदा शूट वीडियो। तो अभी हम आ गए हैं वापस घर, ये है हमारी बाइक जो बेचारी पूरी तरह से भीग चुकी है। ओहो इसके ऊपर भी कवर डालना पड़ेगा, पर तो कितनी सही लग रही है, धुल गई पूरी, वॉश हो गई। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर, बारिश अब भी कंटिन्यूअसली चली जा रही है, तो आ रही है जा रही है वैसे वाला हो रहा है, बट सुबह से आज चल रही थी, बहुत ठंडा हो चुका है। और अभी अगर मैं टाइम की बात करूं तो रात के 9:30 बज चुके हैं, तो काफी टाइम हो गया अभी बाहर घूमते घूमते, पर बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे तो बारिश पसंद है, ठीक है कीचड़ होता है ये सब, बट अपने पास था रेनकोट तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगी। आराम से हमने गए, दिनेश भैया की शॉप भी खुली हुई थी, हमने चाय वाय पी ली, उसके बाद अब हमें करना है डिनर। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे खत्म करने वाली हूँ। आई नो कि व्लॉग बहुत छोटा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया, इवनिंग तक मेरा ऑफिस का काम चल रहा था, उसके बाद फिर थोड़ा ही टाइम मुझे लगा, मैंने सोचा क्यों ना इसी में मैं अपना व्लॉग बना लूं, ताकि थोड़ा बहुत जो भी अपना व्लॉग मैं डाल पाऊंगी, बाकी नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी थोड़ा लंबा व्लॉग बना पाऊं। इसके साथ ही आज के व्लॉग को करते हैं खत्म। अगर आपको मेरे व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इसके साथ ही मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस, बी हैप्पी बी ब्लेस्ड फॉलो योर ड्रीम्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट डालते हो। स्टिल आपको कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी बुरा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ऐसा सजेशन भी दे सकते हो। एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्योंकि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका टेक केयर किसे करना है, आपको करना है। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।